नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। प्रदेश में लड़खड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सिदारगंज के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के सीएचसी मुख्य गेट पर दीप जलाकर मौन व्रत रखकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। कांग्रेस जनों ने नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दीप जलाकर मौन व्रत रख चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की राज्य व केंद्र सरकार से मांग की है। स्वास्थ्य सीएससी में आज जो है आपने दीप जलाया है और क्या मांग की है? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ के स्टारगंज क्या क्या छोड़ो, पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बिल्कुल खराब चल रही हैं। कोई डॉक्टरों की तैनाती कहीं नहीं है। आप स्टारगंज का देख लीजिए, स्टारगंज में ना बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, ना कोई हड्डी का डॉक्टर है। एक वो जो अपने खुशियों की सवारी है एक साल से वो बंद पड़ी है, वो सवारी भी चालू नहीं है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं, सरकार को जगाने का काम किया है। दो मिनट का अपने दिया जला करके 2 मिनट का मौन रखा गया है और सरकार को जगाने का काम किया है। जब से कोरोना संक्रमण की ये बीमारी फैली हुई है हर जगह, ना यहाँ हमारे स्वास्थ्य केंद्र में ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना कोई मास्क दिए गए हैं, कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और हम ये भी मांग करते हैं कि कोरोना के जो यहाँ पे सैंपल की जांच कराने के लिए जो सैंपल भेजा जाता है 2 दिन में उसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए, जिसके यहाँ लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पता चले। आपकी ओर दीप भी जलाया गया था आज, जो हमारा प्रमुख कारण दीप जलाने का था, उत्तराखंड की मर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मा की शांति के लिए हमने आज दीप जलाकर यहाँ पर उसके लिए मौन रखे, उनकी जो स्वास्थ्य सेवा उसकी जो है आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना करी है। और ये प्रतीकात्मक था कि मतलब सरकार जागे, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकार को देनी चाहिए जनता को वो नहीं दे पा रही है। लोग जो है जो भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, अभी आपको दिखाया उन्होंने, वो इलाज के लिए बाहर लिख दे रहे हैं, डॉक्टर उनको दवाई के लिए बाहर लिख दे रहे हैं, जाँचों के लिए बाहर लिख दे रहे हैं, जबकि मशीनें कुछ यहाँ पर हैं उसको भी नहीं चला पा रहे हैं। ये मास्क सैनिटाइजर जो जनता को बांटने चाहिए थे वो किसी जनता को उन्होंने नहीं बांटे हैं, ना दे रहे हैं, आज भी नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जो है कि ये स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमरा गई उत्तराखंड की, उसकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने यहाँ पे मौन व्रत रखा और दिया जलाया।